बाबू जी बाबू बोलो ना आई यार, लव यू। आई लव यू टू बाबू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं ऐसे शख्स से मिलने के लिए जो निकालते हैं लड़कियों की आवाज़ और काफ़ी बेहतरीन आवाज़ निकालते हैं। तो इनकी आवाज़ सुन के आपको भी हैरानी होगी कि लड़कियों की आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं। भगवान ने रूप तो दिया है लड़के का, पर हुनर आवाज़ में दे दिया लड़की का। तो दोस्तों दिखाते हैं लड़की की आवाज़ कैसे निकालते हैं और इनका नाम क्या है, सारा परिचय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई आपका नाम क्या है, नाम बताइए। ऋतिक शर्मा। ऋतिक शर्मा, कैमरे के सामने देखिए बताइए। ऋतिक शर्मा। अच्छा जी, तो आप लड़कियों की आवाज़ निकालते हो हमने सुना। हाँ निकालता हूँ। अच्छा, कब से निकालते हो? काफ़ी समय हो गया दोस्तों, काफ़ी समय हो गया। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जब लड़कियों की आवाज़ निकालते तो आपने कोई लड़के को भी समझ सकते हो? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ तो काफ़ी है, काफ़ी है। तो कोई ऐसे लड़के का कॉल लगाई जो आपके प्यार में बेपनाह प्यार करता हो, बेपनाह पागल हो। पागल तो है। ओह भाई पागल भी है, तो लगाइए कॉल उसका, लगाइए हम भी सुनना चाहते हैं। लगाइए कॉल, हैंड फ्री कर लीजिएगा स्पीकर। हेलो, आप पायल? हाँ जी बोलो। मिल गया टाइम तुम्हें फोन उठाने का? क्या करूँ यार, मम्मी पास में रहती हैं। मम्मी पास में रहती हैं? सॉरी, मैं जब भी कॉल लगाता हूँ तुम एक या दो मिनट बस की मम्मी आ गई। तो क्या करूँ, एक ही फोन है, मम्मी ले लेती कभी मैं ले लेती हूँ, इसी बात होती है। तुम्हें क्या पता दूसरे के दिल पर क्या बीत रही है, तुम्हें पता है? ऐसा मत बोलो बाबू, क्या करूँ, मुझे भी बहुत याद आती है, खाना तक छोड़ दिया। पता है कल मैं पूरी रात इंतजार करता रहा, तुमने कहा था कि 10 बजे के बाद मैं कॉल करूंगी जब मम्मी पापा सो जाएंगे, तब कहा था। तब मेरे भाई ने फोन ले लिया था। क्या? मेरे भाई के पास फोन था। तो भाई सोया ही नहीं पूरी रात? पता नहीं क्या कर रहा था। तो वहां से मोबाइल तुम उठा के और मुझे कॉल कर सकती थी। मैंने सुबह तक कॉल की, फिर कॉल का इंतजार किया लेकिन तुम्हारी कॉल नहीं आई। सॉरी बाबू, अब तो क्या करेंगे कॉल टाइम पे। अब तुम एक बार सुन लो, ये बताइए तुम मुझसे बात रेगुलर करोगी या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो सिर्फ। करूंगी ना। तो कहाँ करती हो बाबू, मुझसे पूछो हमें। बाबू यार प्लीज, मैं यार मर जाऊंगा तुम्हारे बिना यार। बोलो बाबू, मैं ही मर जाऊंगी। मुझे यार ना कुछ अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सिवा, ना मैं खाना खाता हूँ यार। सॉरी बाबू, मेरा यार मन, देखो मरने की बात मत बोला करो, मेरी आधी सांस चली जाती है। तुम यार मेरी आधी सांस तो क्या, तुमने मेरी जिंदगी खराब रखी है। जब से मैंने तुमसे बात की ना, मैं एकदम सूख गया हूँ, मैं यार कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो एक काम करो, मुझे बस चारों तरफ मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता, तुम मुझे वीडियो कॉल क्यों नहीं कभी करती हो? क्या करूँ बाबू, मेरे फोन में नेट खत्म हो जाता है। नेट खत्म हो जाती तब तुम्हारे पास फोन आता है, जब भी बोलता हूँ वीडियो कॉल करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देती हो। मैं बोलता हूँ बाबू यार वीडियो कॉल करो, तो तुम वीडियो कॉल नहीं करती हो। तो क्या होगा यार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यार, तुम्हारी आवाज ही इतनी खूबसूरत है, तुम कितनी खूबसूरत होगी। आज पूरा एक महीना हो गया, एक महीने में एक बार भी तुमने वीडियो कॉल नहीं की मुझे। एक काम करो, मुझे भगा के ले जाओ, तो दिन रात देखती रहना। यार इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो कब आ रहे हो तुम, बताओ कब आना है? जरा आ जाओ, मैं तैयार रहूंगी। तैयार रहोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें भगा के घर से ले जाऊंगा। और सुनो मेरी बात। बोलो। किसी को कानों कान खबर नहीं चलनी चाहिए हम दोनों लोग भाग रहे हैं। नहीं बाबू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। और इसके बाद हम इतनी दूर चले जाएंगे कि पूरी दुनिया की नजर में ही नहीं आएंगे कि तुम कहाँ और हम कहाँ। किसी को कानो कान खबर तो नहीं है कि हम दोनों लोग बात करते हैं। सच में बाबू? क्या सच में? किसी को नहीं पता है? नहीं किसी को नहीं पता, मैं आपसे बात करती हूँ। और वो तुम्हारी फ्रेंड थी, वो तो बोल रही थी कि तुम बोल रही थी कि मैंने अपनी फ्रेंड को बता दिया। एक को बता तो दिया था पर उसकी शादी हो गई, मैंने उससे झगड़ा कर लिया, वो हमसे बोलती नहीं है। बोलती नहीं तो वो बोल नहीं देगी कि ये बात करती है? तो हम लोग भाग जाएंगे तो कौन बताएगा, कौन कौन ढूंढ लेगा मुझे? उसने तुमने उसे अपनी फ्रेंड को मेरा एड्रेस तो नहीं बताया था?
मैंने कुछ नहीं बताया बाबू, ऐसा मत करो यार। बाबू प्लीज यार ऐसा मत करो यार, किसी को बताओ तो पता है हमारी जिंदगी में वो रोड़ा पैदा कर देगा हमारे रास्ते में यार। तुमको पता है मुश्किल से तो हमने यार पता नहीं पूरी पूरी रात ऐसे ही नींद में यार पकता रहता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, फाइल मिल जाएगी फला करूंगा, लेकिन यार सारे सुनो क्या करूँ, तुमसे ज्यादा सपने तो मुझे आते हैं, सही बता रही हूँ क्या? तुमसे ज्यादा सपने हमको आते हैं, सपने में आपको देखती हूँ, खाना तक छोड़ देती हूँ। यार प्लीज खाना मत छोड़ो यार तुम, मैं यार आप ही बोलते हो आप फोन नहीं खाती हो, क्या करूँ बाबू फोन मेरे पास नहीं रहता, प्यार तुम्हें बहुत करती हूँ। बाबू मैं तुमको स्पेशल फोन नहीं, अब मैं तुमको ले ही जाऊंगा बाबू। हाँ ले जाऊंगा जी, देखो जब तुम मुझे ले जाओगे ना तो फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ फोन की जरूरत वहीं पर, हम तुम्हें स्पेशल फोन लगा, दोनों लोग एक ही जगह काम किया करेंगे साथ में बैठ के। नहीं मैं काम नहीं करूंगी, आप काम करो मैं कमरे पर रहूंगी। नहीं कमरे पर रहोगी लेकिन मेरा फिर वहाँ काम में दिल नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुमको साथ ले जाया करूंगा। ये सब काम मत करना लेकिन बैठना मेरे साथ में, तो मेरा काम में मन लगा रहेगा। तो मैं एक चेयर पे नहीं बैठूंगी, आपके गोद में बैठूंगी। यार तुम तो मेरे दिल में हो, अंदर बस जाओ तब भी तो मेरे लिए बहुत कम है यार, तुम तो मेरी जान हो यार। सच में कसम से यार पायल प्लीज किस दे दे मेरी जान प्लीज यार बाबू दे तो दी अरे चाचा दिल में लग गई यार, अब मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा पायल हमको भी। चलो अब कुछ नहीं, तो मैं कल से मैं भूखा था, मैंने रोटी नहीं खाई, इसीलिए कि जब तक पायल से बात ना कर लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा। अब मेरी बात होगी, अब मुझे तसल्ली बन गई, अब मैं खाऊंगा खाना। अब पायल सुनो तुम भी खाना खाना, और कल का प्लान है हमारा तुम्हारा, ठीक है बाबू? इतनी जल्दी नहीं, तुमने उस दिन भी बोला था कि मुझे यार ले चलो ये है वो है, फिर उसके दिन में वो संडे वाले दिन मैं इंतजार करता रहा, लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं आया। ये तुम्हारा भैया है ना, इसे यार किसी दिन मैं दिमाग सटक गया ना उसे यार मैं रास्ते ही से हटा दूंगा। अरे नहीं अच्छा आज मैं भैया को हटा रहा, कल मामा को भी हटा दोगे? नहीं यार मेरा इतना मगज ही खराब पड़ता है ये। अच्छा मम्मी आ गई? नहीं यार अभी रुको सुनो, मम्मी नहीं साइड से हो जाओ, मम्मी आ रही है। अभी नहीं काटना है, बोलो मम्मी से बोल दे करो, सिस्टर से बात। मम्मी आ रही है? तो दोस्तों देख सकते हो एक लड़का इनके प्यार में कितना पागल है, देख सकते हो आप, बताइए कितना हुनर होने के बाद ये भाई के, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। भाई के पास इतना हुनर है जो कि एक लड़का इनके प्यार में पागल हो गया है, बताइए। फोन भी आ गया उनका, फिर से उठाइए फोन। बाबू मम्मी आ रही है। मम्मी आ गई थी यार, तो मम्मी आ गई थी इतनी जल्दी, अचानक से फोन मत काटा करो ठीक है? हाय मेरे राजा क्या करूं, मम्मी ने जान ली तो फोन भी फोड़ देनी यार। तुम बोल दिया करो कि बाबू यार बोल दिया करो, फ्रेंड का फोन था या भैया की किसी का दोस्त का फोन था? तो मम्मी पढ़ी लिखी है, मम्मी नंबर पहचान लेती है, मेरी फ्रेंड दो फ्रेंड है उनका नंबर जानती है। फ्रेंड के नाम से मेरा नंबर सेव कर लो। तो कर लूंगी नहीं, अभी कर लेना कॉल कटने के बाद में, ताकि मम्मी को ये लगे कि फ्रेंड का ही कॉल आ रहा है। तो ये सब छोड़ो, मिलने कब आ रहे हो मेरा? क्या मिलने कब आ रहे हो? मिलने यार बाबू, इस पल का तुम भी बेसब्री से इंतजार था, तुम बताओ कब आना है, आज आ जाऊं कल आ जाऊं या अभी आ जाऊं? मन कर रहा है मिलने का बाबू। यार मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा है, अब समझो जब तक मैं मिल नहीं लूंगा तब तक मैं यार। ठीक है मैं अभी करती हूँ, पक्का उठा ली ना बाबू। अरे सुनो यार तुम शरीर में आग लगा के भागो मत। दोस्तों देख सकते हो इस लड़के के पास कितना हुनर है, ये लड़कियों की आवाज में बात करता है, भगवान ने ऐसा टैलेंट दिया इस बंदे को, शरीर तो दे दिया लड़कों का पर आवाज दे दी लड़की की, क्यों भाई? तो वहाँ प्यार में इतना पागल क्या हो गया ये? वो तो वही जाने आवाज से। अच्छा आवाज से हो गया। दोस्तों बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलके, जितना हो सके उतना इस वीडियो को वायरल करें।